Management! Hi, hi! Management! Hi, hi! Management! Hi, hi! Management! Hi, hi! Hamari mange! We go! Hamari mange! We go! Hamari mange! We go! Tippi sahab! Zindabad! Tippi sahab! Zindabad! जहाँ 25 आदमी काम करते वहाँ 5 आदमी से काम करवाया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि यूनियन को मान्यता दी जाए और हमारे शोषण को खत्म किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। अभी मैं पहुँचा हूँ मंडियाना गांव में। मंडियाना में बिरला वाइट सीमेंट जो पुट्टी प्लांट है वहाँ पर लेबर धरने पर बैठे हैं। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर वो प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित हैं। आखिर वो धरने के पीछे उनके क्या मांग है, हम बात करते हैं उन्हीं श्रमिकों से कि आखिर ये समस्या कब से आ रही है, इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। नाम क्या आप लोग? मैं कैलाश लोहार। कई समस्या है साहब। जो हम पहले यहाँ पर नौकरी लगाए उस टाइम हमारा जो रेट क्लियर किया वो रेट हमारे को दिया नहीं, फिर हमारे साथ में शोषण करना चालू कर दिया। हमने इन लोगों को बार बार चेतावनी भी दी कि भाई हमारा कुछ रास्ता निकालो, तो ये हमारी कोई सुनते नहीं है और सब आदमी परेशान हैं इनसे। किस तरह से परेशान है आप, एक एक परेशानी बताओ। जहाँ 25 आदमी काम करते वहाँ 5 आदमी से काम करवाया जा रहा है और उनके ऊपर प्रेशर बनना चाहता है। वो लोग बोलते हैं या तो करो या फिर बाहर जाओ, आदमी कहाँ जाएगा सर। तो आपको यूँ टेम्परेरी रख रखा है या ऐसा ही? हमारे को जैसे कि इन लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर दे कर रखा है, परमानेंट के लिए रखा है। बोले कि भाई काम करते रहो, जब तक काम करोगे जब तक प्लांट में तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब हमारे को धमकी दी जाती है, जब भी हम बोलते हैं कि चाहे तो बाहर चले जाओ, कहाँ जाए अब। तो अब आप जैसे धरने में बैठे, इससे पहले कोई प्रबंधन से कोई बात वगैरह हुई? बिल्कुल सर, बात हुई है। बोला था कि आपका 15 दिन के अंदर समस्या सोल्व कर देंगे, कोई समस्या सोल्व नहीं हुई है और इसके कारण हम वापस धरने पे बैठे हैं। हमें जो बताया वो कुछ नहीं मिल रहा प्लान। तो पहले भी कोई धरने दिया आपने? पहले भी दिया था, हमने कूल डाउन किया था 2 दिन के लिए। SDM साहब आए थे और हमें समझौता करवा के प्लांट चालू किया है। क्या समझौता हुआ था उस समय? सर उस समय बोला था कि हम 15 दिन में आपकी समस्या सोल्व कर देंगे, आप अभी काम करो। तो हम काम कर रहे हैं मगर समस्या सोल्व नहीं हुई। उसके बावजूद भी हमें यूँ जहाँ 5 आदमी का काम है वहाँ 3 आदमी देते हैं, जो 127 किलो का भार है वहाँ 3 आदमी से डलवाते हैं, बहुत सारे ऐसे अनलीगल काम करवाते बिना सेफ्टी के कारण। और इसके लिए कौन करवा रहा है ये काम? सब ठेकेदार तो हमें सप्लाई में दे रखा है, करवाते कंपनी वाले ही हैं। ठीक है, ठेकेदार से कोई लेना देना ही नहीं हमें। साइट इंचार्ज हमारा बोले तो UTCA ली है और सब कंपनी करती। तो अब आपकी मुख्य मांगे क्या है? ये हमारी मांग, हमारी मांगे यूनियन को मान्यता दी जाए और बाकी जो भी हमारा है वो सब किया जाए। हमारी मांग यही है कि यूनियन को मान्यता दी जाए और हमारे शोषण को ख़त्म किया जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, उसके कारण यूनियन संगठन के साथ में हम जुड़े हैं और संगठन को मान्यता दी जाए। तो प्रबंधन से वार्ता के प्रयास नहीं किए? हमने बहुत प्रयास किए, श्रम विभाग कार्यालय के हिसाब से भी किए, वहाँ पे इनको बुलाया जाता था, ये नहीं आते थे वहाँ पे। हमने बहुत सी बार इनसे कोशिश की वार्ता के लिए, पर ये वार्ता के लिए एग्री नहीं है। आज 5 दिन से घर नहीं देखा और रक्षाबंधन हमने यहीं मनाई है, इसके बावजूद में ये अड़ियल रूप लेके बैठा है मैनेजमेंट। प्लांट पूरा बंद है? पूरी तरह बंद है सर। अच्छा, डेली का कितना उत्पादन होता है, क्या है? वो तो हमें आइडिया नहीं है सर, मैनेजमेंट बड़ा है। अच्छा, तो जैसे 5 दिन से अगर आप बंद हैं, आपकी राखी भी यही मनी है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए बाद में कोई वार्ता के लिए प्रबंधन या कंपनी से कोई आए? नहीं आया सर, कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। प्रशासन से भी नहीं आए कोई प्रशासन वाले? तो ये जब से आप धरना दिया तो धरने से पहले आपने प्रशासन को या कंपनी को अवगत कराया कुछ लिखित में? बिल्कुल कराया लिखित में। तो आपका मुख्य रूप से ये जो भी धरना चल रहा है तो मांग पत्र में क्या क्या है? मांग पत्र में यही है सर, अदर प्लांटों में जो सैलरी दी जाए वो सैलरी हमारे इन वर्करों को दी जाए और अन्य प्लांटों में जो सुविधा है वो सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाए। जो अदर प्लांट में जो दे रहे हैं आपने, इनका कोई, जो आपने है, कोई मांग पत्र तैयार नहीं किया? मांग पत्र सारा दिया हुआ है लिखित में इनको। अच्छा, ये क्या कंपनी की तरफ से अब तक क्या आया वार्ता में? आपने कहा SDM साहब ने भी समझौता करवाया, ये तो समझौता में क्या था? समझौता में एक है कि हम इस चर्चा पे बात कर रहे हैं और बात करते 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 इन्होंने महीना भर 15 दिन का महीना खींच लिया। उसके बाद में हम मेरे सब संगठन भाइयों ने मिलके धरने का फैसला लिया और ये धरना जब तक ये अड़ियल रूप मैनेजमेंट
हमारा फैसला नहीं करता, समझौता वार्ता नहीं करता है, तब तक यह अनिश्चित काल धरना चलता रहेगा। श्रमिकों से भी जानते हैं कि इनकी जो मुख्य मांग है वो क्या है, कब से ये धरना चल रहा है, क्या क्या नाम है? कुलदीप नाथ चौहान। ये हमने 4 महीने पहले लेबर कमिश्नर के वहाँ पे हमने इनको बताया था, हमने इनको भी बुलाया, पर 10 पेसी में थे, लगभग ये 2 पेसी में वहाँ आए, बाकी 8 पेसी में आए नहीं। इन्होंने 2 पेसी में आए तो मना करके चल गए, हम नहीं जानते, हम मान्यता नहीं देंगे। हम जब भी आप अंदर जाते हैं तो हमारा शोषण किया जाता है, हमारे साथ गलत गलत व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है मैनेजमेंट द्वारा, और हमें धुकारा जाता है, कुछ भी करके बाहर निकालने की धमकी दी जाती है, बोलते गेट पास दे तो बाहर चले जाओ, अब हमें चाहिए मान्यता। आपका ये धरना से कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, आगे क्या? हमारा ये धरना 29 तारीख से चालू हुआ है, जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी जब तक चलेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी रहेगा, पूरा डटे हुए हैं हम सब इसी चर्चा पे। तो अब तक अभी जैसे आप सीपी साहब जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे, तो क्या ये बात सीपी साहब तक भी पहुँचे आपने? सीपी साहब तक तो हमने यहाँ के माध्यम से पहुँच रही है, जनप्रतिनिधियों को और किसी को अवगत नहीं कराया? बिल्कुल सबको करवाया हमने, तीनों तो हमारे पदाधिकारी सबको बताया, जितेंद्र सिंह जी सरपंच साहब, भरत सिंह जी सरपंच साहब मन्याणा, मनीष जी जैन सालोल सरपंच साहब, सबको बताया है। ये जो मुख्य रूप से जो फैक्ट्री है कौन सी पंचायत में आती है क्या? ये सर मन्याणा में आती है। यहाँ जो लेबर है वो कहाँ कहाँ की है, कितनी लेबर है? सर मन्याणा, सालोल और ये अपना मोगाना, ये सब लोकल ही है और करीब करीब लोकल है, बाकी बाहर के भी हैं बंदे बहुत सारे। मतलब लोकल ज्यादातर लोकल ही है? बिल्कुल लोकल भी हैं, बाहर के भी हैं। अब मुख्य रूप से एक मांग आपकी ये जो बता रहे यूनियन का गठन, ये मुख्य गठन यूनियन का ही है, और शोषण, शोषण का। ये देखिए मुख्य रूप से जो श्रमिकों की मांग है कि एक तो इनके यूनियन का गठन किया जाए, इसकी मान्यता कंपनी और प्रबंधन द्वारा नहीं दी जा रही है, इसके लिए इन्होंने समझौता पत्र भी दे रखा है, उपखंड अधिकारी के सानिध्य में समझौता वार्ता हुई थी पहले, वो वार्ता भी पूरी अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है, इसीलिए आक्रोशित हो गए हैं, और उसके बाद ये लगभग 5 दिन से इनका यह धरना चल रहा है। और खास बात है कि इस बार का रक्षाबंधन का पर्व भी इन्होंने इसी धरना स्थल पर मनाया, और प्रबंधन की अगर बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो वहाँ पूर्ण रूप से कारोबार पूरा ठप है, उत्पादन ठप पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रबंधन द्वारा अब तक इनकी मांगों को लेकर कोई विचार नहीं किया है। हालांकि अभी आज जो सुबह का अपडेट है उसमें मुख्य रूप से नाथद्वारा के उपखंड अधिकारी द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को वहाँ बुलाया है, और श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल को भी नाथद्वारा बुलाया है, जहाँ वार्ता जारी है। अब उस वार्ता में क्या निकलता है, क्या श्रमिकों की मांगें पूरी होती हैं, या और कोई अपडेट निकल के आते हैं, वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।